सास नरव मार देती, नंदा मार देते, मरद भी मार देते। 9 साल से अब मैं रंदे माँ कैसा भी हमारा नाम लाया मैं बड़े खानदान के। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। नाजरीन आदाब, A1TV में आप तमाम का खैर मकदम है। इस तरह की खबरें पेश करते हुए हमें इंतहाई अफसोस और दुख होता है और बोलने के लिए हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। गुज़िश्ता 2 महीने कबल हमने एक ऐसी ही दर्दनाक खबर आपके सामने पेश की थी कि अय्या बोली यानी मड्डी पेट में एक लड़की की जहेज के लिए मौत वाक़या हो गई। उस लड़की का ताल्लुक़ सियाह तालाब से था और उसका नाम सलमा था। इसी तरह का एक वाक़या रायचूर शहर के अनुखला में भी पेश आया। सलमा के बाद अब एक और बेटी दहेज के नाम पर क़ुरबान कर दी गई। एक और बेटी की मौत वाक़या हो गई और सलमा के बाद अब इस बेटी का नाम है असमा। कब तक इस तरह सलमा और असमा दहेज के नाम पर जाने देती रहेंगी? जिस तरह सलमा की मौत खुदकुशी है या फिर कत्ल है इसका अभी तक राज नहीं खुल सका, उसी तरह असमा की मौत भी उसी तरह कॉमन है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये खुदकुशी है या फिर कत्ल है। लड़के वालों का कहना है कि ये खुदकुशी है, लड़की वालों का कहना है कि ये कत्ल है। बताया जाता है कल रात तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब असमा के शोहर ने उसकी वालदा को फ़ोन करते हुए ये कहा कि असमा की सांस नहीं चल रही है, लिहाजा आप आएँ। जबकि असमा का मायका रायचूर तालुके के सुल्तानपुर मोज़े में वाक़ा है, वहाँ से ये लोग आए। उस वक्त तक असमा को अस्पताल ले जाया गया था। ये बताया जाता है कि वक्त अस्पताल को ले जाया गया जहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोला गया। उसके बाद असमा को सुरक्षा अस्पताल को ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने नब्ज़ की जाँच करने के बाद ये बता दिया कि असमा अब ज़िंदा नहीं रही। उसके बाद वापस मकान को लाया गया। जब असमा की वालदा यहाँ पर पहुँची यानी अनुखला पहुँची तो उन्होंने इसको सरासर कत्ल करार दिया, जिस पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया और असमा की लाश को शहर के रिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। असमा की वालदा से गुफ्तगू की, उनकी दर्दनाक बयान को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये बताया जाता है कि पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू कर दी है। असमा के शोहर फजलुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ असमा के 2 नंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है शक की बुनियाद पर। असमा के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के की उम्र 7 साल बताई जाती है जबकि लड़की की उम्र 4 साल बताई जाती है। 7 साल लड़के से जब पुलिस ने गुफ्तगू की तो उसने बताया कि रात में उनके मकान में झगड़ा हो रहा था वालदा और वालदा के दरमियान। उसके फूफा और फूफू वहाँ पर आए और उन्हें समझाने की कोशिश की या फिर कुछ और मामला था, इस बारे में लड़के ने कोई वजाहत नहीं की। बहरहाल नाजरीन, इस तरह के वाक़ात हमारे समाज के लिए एक बदनुमा दाग हैं। इस तरह के वाक़ात से बचने के लिए ज़रूरी है कि दहेज की बुरी रस्म को रोका जाए और साथ ही साथ जब कभी भी मियां बीवी के दरमियान तनाव आए तो घर के बड़ों को चाहिए कि वो बैठकर इसको सुलझाए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने, एक दूसरे की कमियों को गिनाने के बजाय दोनों को जोड़ने और दोनों के दरमियान सुलह कराने की हमेशा कोशिश की जाए, इस तरह के वाक़या से बचा जाए। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पांव में, उस द्वार से भी दुख। मेरे बच्चे बहुत तू किरकिरी करे बा, मेरे बच्चे बहुत टाचार करे, मेरे बच्चे को खाने खाने तरसा है। सास नरव मार देती, नंदा मार देते, मरद भी मार देते। 9 साल से अब मैं रंदे माँ कैसा भी हमारा नाम लाया मैं बड़े खानदान के।
मेरे बच्चे के दो चुबार, एक औरत बच्ची एक मर्द बच्चा, एक 7 साल का, एक 5 साल की, एक 3 साल की, एक ही बच्ची। फजलुद्दीन, फजलुद्दीन मर्द का नाम। नंदई का नाम क्या है कि बा? शादी हुई जब से ऐसी चला, शादी हुई जब से 9 साल से मेरे बच्चे खुश नहीं है। लास्ट टाइम कब हुई बात आपसे? लास्ट टाइम मेरे बहू से बात करे 7 बजे, अच्छा हंसते हंसते बात करे, खुशी खुशी से बात करे। हाँ। अब मेहमान भी से आ रहे थे, अम्मी देव क्या बोले तो नक्को घर गए, बाद में देव अम्मी को बात कर तू बोले, हमें थको गए काम बात करना, चल बोल के हमें सो गए। रात को 1 बजे फोन करे आसमा की, आसमा के साथ नहीं खेल रही बोले अम्मा, कई बार से क्या करे बा बोले मैं अम्मा, बोले तो क्या हुआ कि नहीं मालूम बोला मरद वो बदमाश अम्मा, मैं कहा जो अशु अशु मेरी बच्ची कहा है बोल को ढूंढू बा मैं अम्मा, मेरे बच्ची बहुत आचार करे बहुत ये करे बा अम्मा। बेटी का नाम क्या है? अस्मा बारो है। और का नाम? फजलुद्दीन है अम्मा, मैं क्या करूं। पेशक है हमारे एक नंदा पो मरद पो है शक, नंदा भी अच्छा नहीं मरद भी अच्छा नहीं, यास्मीन यास्मीन पानी।